विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, कोई सरकारी पेंशन मिलती है। तीसरा क्या है, एक और, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, कोई सरकारी पेंशन मिलती है। तीसरा क्या है, एक और। अभी इस बजट के अंदर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है, आप सब लोग जानते हैं। अभी तक ये सशक्तिकरण के नाम पे फ्रॉड चल रहा था। सारी पार्टियां कह रही थी महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। सशक्तिकरण के नाम पे अपनी पार्टी की किसी एक महिला को कुछ बना देते हैं और कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, महिलाओं को पद मिलने चाहिए, बड़े बड़े पद भी मिलने चाहिए, टिकटें भी मिलनी चाहिए, सब कुछ मिल, लेकिन उससे तो दो चार महिलाओं का ही फायदा होता है। बाकी महिलाओं को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अब हर महिला के पर्स में हर महीने मैं 1000 रुपए डालूंगा। खाली जेब से सशक्तिकरण थोड़ी होता है, जेब में पैसा होगा तो सशक्तिकरण होगा। होगा कि नहीं होगा? मार्केट में जाओ, जेब में पैसा ही नहीं, काहे का सशक्तिकरण? सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसा होगा। असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को हर महीने 1000-1000 रुपए मिलेंगे। हां जी, फार्म कब भरेंगे? अभी बता रहा हूं फार्म कब भरेंगे। तो असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को 1000-1000 रुपया मिलेगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा ये, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पूरी आबादी को, महिलाओं की 18 साल से ऊपर की आबादी को 1000-1000 रुपये महीना दिया जाए। दो चार इसमें वो है कि जो महिला इनकम टैक्स भरती है, इसका मतलब उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। अगर उसका हस्बैंड भरता है तो आप एलिजिबल हो, आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप खुद इनकम टैक्स भरते हो या आपको विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, कोई सरकारी पेंशन मिलती है। तीसरा क्या है, एक और है। हाँ, जो सरकारी नौकरी करती हैं, जो सरकारी नौकरी करती हैं, इन तीन कैटेगरी को छोड़ के बाकी हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000-1000 रुपए मिलेगा।